देखते हैं 15.1 एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर वन, एक्स दिया हुआ है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। बोला क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन निकालना है मीन को देखते हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम है मीन निकालना। मीन का फॉर्मूला क्या है? सही। अब इसको ऐड करना होगा, ऐड करने के लिए क्या होगा, 7 4 11 11 और 8 19 19 और 9 38 और 10 48 और 12 60 70 80 90 90। और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 2 8 8 टर्म है। मेरे ख्याल से 80 आना चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 3 7 7 और 4 11 11 और 8 19 19 और 9 28 और 10 38 49 40 10 50 60 70 80। हाँ ये 80 आएगा, ठीक है। ये कटने के बाद क्या है, मीन कितना आ गया, 10 आ गया। हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार का मॉड, ठीक है। तो क्या होगा अब, x माइनस एक्स बार यानी कि 4 माइनस 10 7 माइनस 10 8 माइनस 10। जब सबको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस में आता मगर ये पॉजिटिव में 6 हो जाएगा, ये पॉजिटिव में 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। अब रूल क्या है, मीन डेविएशन के लिए रूल है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। तो पहले इसको ऐड करते हैं, 7 3 10 और 2 12 और 1 13 14 15 और 9 15 और 9 24 हो गया, 24 डिवाइडेड बाई 8। तो कितना हो जाएगा आंसर हम लोग का, 3। तो ये हम लोग का मीन डेविएशन निकल गया 3। देखते हैं 2 नंबर भी, हम लोग 2 में क्या लिखा हुआ है, x कितना है, 38 70 48 42 55 63 46 54 44। इसमें भी सेम क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या करना है, पहले मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको x माइनस एक्स बार निकालना ही होगा, सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। तो पहले इसको ऐड करते हैं सबको, कितना आ रहा है, 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 यानी कि हो गया 0, 4 कैरी कर लिया, 7 3 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 41 42 44 45 46 47 48 49 50। तो ये आ गया 500। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये आएगा 500/10 यानी कि 50। अगर मीन 50 मिल गया तो 38 - 50 करना होगा, तो कितना हो जाएगा, इसमें क्या ऐड करने से 50 आ जाएगा, बस ये सोचना है हम लोग को। तो 12 ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, इसमें 20, इसमें 2 से काम चल जाएगा, इसमें 10, इसमें 8 ऐड करना होगा, इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 13 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा और इसमें 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड करना है, 12 12 और 8 20 20 40 50 और 2 52 और इधर हो गया 8 60 और 10 70 और ये 80। 80 आ गया। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या है, मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 8। इसको सम करने से कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का, 84 और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8.4, ठीक है। तो यहाँ आ गया 84 और यहाँ 84 लिख दिया और ये आंसर आ गया 8.4। तो ये था हम लोग का मीन डेविएशन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इंडिविजुअल सीरीज था। थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इन एक्सरसाइज 3 और 4। 3 और 4 में हम लोग को मीडियन निकालना है। तो पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं, 13 17 16 14 11 13 10 16 11 18 12 और 17।
और एक दूसरा क्या है, फोर्थ नंबर का भी लिख ही लेते हैं, 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51 और 49। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो ये इंडिविजुअल सीरीज में है मीडियन, तो पहला इसका काम यह है कि हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। लिखते हैं 11 टू टाइम्स है और उससे पहले 10 था, और छोटा कोई है नहीं है। 11 का भी काम हो गया, 10 का भी काम हो गया, 12 एक बार है, 12 लिख देंगे। उसके बाद 13 है दो बार, 13 भी खत्म। 14 है एक बार, 14 लिख देते हैं। 15 नहीं है, 16 है टू टाइम्स, 16। 17 है और फिर दो बार 17, और 18 है। तो ये हम लोग का क्या बन गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब करना क्या है, तो पहले हम लोग काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 है, ठीक है। तो एन का वैल्यू है हम लोग के पास फिलहाल 12। अगर ये इवन होता है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं एन बाई टूएथ का जो आइटम होगा प्लस एन बाई टूएथ प्लस वन आइटम डिवाइडेड बाई टू। तो एन प्लस एन बाई टू मतलब 12 का आधा 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही आ रहा सिक्स नंबर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, और साथ में क्या आ रहा, 14। तो 14 बाई टू दोनों को ऐड कर देते हैं, 13, 13, 26 और 1, 27, 27 बाई टू आ गया, यानी कि ये हो गया है 13.5। तो अब निकालते हैं हम लोग मीडियन से मीन डेविएशन। तो इसको लिख लेना है 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 16, 17 और 17, और एक छोटा रहा 18 को ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का x एक तरह से। अब निकालना है x माइनस m, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मीन में हम लोग ऐसा करते थे। फिलहाल हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट इसके साथ माइनस करेंगे। तो 13.5 में कितना ऐड करेंगे कि 18 आ जाएगा, 13.5 में कितना ऐड करेंगे, जैसे 4.5 ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 4.5, यहाँ कितना होगा 3.5, ठीक है। अच्छा 18 से हम लोग को माइनस करना था ना, ऐसे भी 18 से भी माइनस करेंगे 13.5 तो कितना आएगा, ये कैरी कर लेगा 5, ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 3 आएगा तो 4, तो 4.5 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, 11 माइनस 13.5, 11 में से 13.5 माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आने वाला है, 2.5, ये भी 2.5, ये 1.5, ये 0.5, 1.5 और 16 में आ जाएगा 2.5 ऐड करने से आ जाएगा ना 16, तो यहाँ भी 2.5 हो जाएगा। 17 में 3.5 और 3.5 करके ऐड कर लेंगे, ठीक है हम लोग। अब क्या होने वाला है, इन सब को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते हैं इसको 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 इसको, टोटल कितना नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर है। तो 12, 5, 60, यानी कि ये वाला पॉइंट वाला नंबर कितना आ रहा है, 6। सबको अगर हम ऐड कर दिए तो 60 आ रहा है, इसका मतलब 6.0 मतलब 6 आ गया। अब इसको ऐड करते हैं, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 और 3, 23, 23 और 6, 29, 29। इसको ऐड करने से 29 आ गया, तो आंसर कितना होना चाहिए, 29 डिवाइडेड बाय 12। तो डिवाइड करते हैं 12 से, तो 12 दूना 24, 24 कितना बचा हम लोग के पास, 24 यानी कि 5, तो 12 चौके 48, 2 बचेगा, 12 एक 12 2.41 कितना सर, 33। तो यहाँ पे गलती हुआ ना, 0 ये 0.5 हो जाएगा, तो ऐड करने से आ जाएगा 28, और यहाँ भी 28 हो जाएगा। अब 28 को 12 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ रहा है, 2.33, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब मीन डेविएशन निकालना है मीन को देखते हुए। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू लिखते हैं 5, 10, 15, 20 और 25। फ्रीक्वेंसी है 7,
फोर सिक्स थ्री और फाइव, ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर फाइव, यही तो है क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, अब देखते हैं एफ एक्स, एफ एक्स कैसे निकलेगा, 35, 40, 90, 60 और 125, सही है। रूल के हिसाब से सिग्मा एफ एक्स निकालना है, ऐड करेंगे 5 और 5 10, 0 1 कैरी किए, 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 9 और 8 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 का 5 2 और 1 3, 350 आ रहा है। सिग्मा एफ भी चाहिए हम लोग को, सिग्मा एफ कितना आएगा, 6 4 10 और 10 20 25 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग का जो मीन आने वाला है वो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ निकलेगा, जो कि 350 बाई 25 आएगा। 25 5 से काटे, 5 से काटेंगे तो 5 से 35, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक 5 और 2 0 बचेगा, तो 5 6 20 14 आ जाएगा। अब 14 आएगा तो यहाँ कितना होने वाला है, 14 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 1 6 और 11। ठीक है, अब क्या करना, 9 से इसको इंटू कर देंगे, 7 9 जा 63, 16 6 6 3 18 और 55, इसको ऐड करना है 158। ठीक है, तो 158 कर दो इसको, 158 को डिवाइड किए तो कितना आएगा, 25 से काट देते हैं, 25 छक 150 और 8 0 बचेगा, 25 दुना 50 3 0 6.32। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग,